नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरे चैनल कूलिंग मंत्रा पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बीएमसी के विषय में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहला तो आप पहले से किसी भी कंपनी की यदि बीएमसी यूज़ कर रहे हैं या आपने अभी तक बीएमसी उपयोग नहीं करी है, इन दोनों ही स्थिति में मैं जो जानकारी दूंगा वो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। मैं आज जो आपको जानकारी दूंगा वो 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक की बीएमसी की दूंगा। इससे बड़ी जो बीएमसी आती हैं उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तीसरी चीज़ है, आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएमसी हमें क्यों उपयोग करना चाहिए, इसको परचेज करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस की ऑपरेटिंग कैसे होगी। मित्रों, बीएमसी जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, बल्क मिल्क चिलर, ये मशीन स्पेशली दूध के लिए बनाई गई है, दूध को ठंडा करने के लिए बनाई गई है। आपका एक सवाल हो सकता है कि दूध ठंडा करने के लिए तो हमारे पास और भी माध्यम है, हम तो पारंपरिक तरीके से बहुत पहले से दूध ठंडा कर रहे हैं, तो क्या दूध को ठंडा करना ही सब कुछ होता है? ये हमें समझना होगा। मित्रों, दूध को ठंडा करना ही सब कुछ नहीं होता है। दूध को जल्दी ठंडा करना और उसका एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठंडा तो हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं क्या, लेकिन हम उसका एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं? दूध का आइडियल टेम्परेचर होता है +4 डिग्री से लेकर +6 डिग्री के बीच। कम से कम आपको 4 रखना है और ज़्यादा 6, इन दोनों के बीच में ही आपको टेम्परेचर रखना है। ना आपको 2 डिग्री रखना है, ना आपको 10 डिग्री रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपके दूध की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी, आपके दूध का जो एसिडिटी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि होता ये है कि दूध निकलने के बाद से उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है और उसका एसिडिटी लेवल बढ़ने लगता है। इसके लिए हमें उसको जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ता है और ये जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया है इस डिग्री पे हमें मेंटेन रखना पड़ता है, तभी हमें दूध की क्वालिटी प्रॉपर मिलेगी और दूध में स्मेल भी नहीं आएगी। तो बीएमसी का पहला काम होता है दूध का टेम्परेचर जल्दी लाना, दूसरा इसका आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करना। फिर दूसरी चीज़ होती है दूध को मिक्स करते रहना, हिलाते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब दूध ठंडा होता है तो दूध गाढ़ा होता है, जिसके कारण पूरे दूध में टेम्परेचर लाने के लिए उसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, उसमें जो फैट होता है वो भी सेपरेट ना हो, इसके लिए भी दूध को हिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम उपयोग करते हैं ये एजिटेटर का। आप ये जो एजिटेटर देख रहे हैं ये दूध को हिलाता रहता है, जिससे आपके दूध की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है, दूध में स्मेल नहीं आती है। पारंपरिक फ्रिज में क्या होता है कि हमें दूध ठंडा करने के लिए उसको बार बार हिलाना पड़ता है। जब भी हम हिलाना छोड़ देंगे तो हमारे दूध में स्मेल आ जाएगी और या तो हमारे दूध की क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। तीसरी एक चीज़ होती है बीएमसी के अंदर कि इसमें कूलिंग के लिए डिम्पल प्लेट का उपयोग किया जाता है। डिम्पल प्लेट क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, डिम्पल प्लेट एक कूलिंग करने का माध्यम है। जैसे हमारे मिल्क कूलर में पाइप डले होते हैं कूलिंग के लिए, वैसे ही इसमें प्लेट डली होती है। लेकिन इसका बेनिफिट ये मिलता है हमको प्लेट का, ये फास्ट कूलिंग करती है, इसमें आइसिंग कम आती है। दूसरी बात है, ये कम एरिया में लगती है। कम एरिया में लगाने का बेनिफिट ये मिलता हमें कि हमारे पास दूध तो हमेशा एक सा नहीं होता है, दूध कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो प्लेट जो होती है वो केवल नीचे लगाई जाती है, बेस में जो भी साइज़ हो आपकी बीएमसी का, उसके नीचे नीचे वो प्लेट लगी होती है, जिससे ये होता है कि आपके पास यदि दूध कम भी है तो वो दूध को जल्दी ठंडा करके बंद कर देगी। मिल्क कूलर में क्या होता है कि आपके पाइप ऊपर डले होते हैं, आपके पास दूध मान लीजिए यहाँ तक है, पाइप ज़्यादा डले हैं तो इतनी कूलिंग तो आपकी वेस्ट होने वाली है। तो इससे आपकी पावर सेविंग भी होती है और इसका जो कंप्रेशर होता है आपके मिल्क कूलर के मुकाबले ज़्यादा हैवी होता है, ताकि ये फास्ट कूलिंग करके आपके दूध की लाइफ को बढ़ा सके। बीएमसी में एक बार दूध ठंडा होने के बाद आपकी मशीन 7-8 घंटे के लिए टोटल बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी पावर सेविंग भी होती है। फिर इसका जो इनर टैंक होता है वो बहुत फिनिशिंग में होता है, फुल्ली SS304 में होता है, जिससे आपके दूध कहीं अंदर जमाव नहीं होता, दूध का कहीं सड़न नहीं होता है और दूध की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास 100 लीटर से ऊपर दूध है तो आपको बीएमसी में जाना चाहिए। इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको समझ में आएंगे बीएमसी को उपयोग करने के बाद, कि आपका दूध असमय फटने की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, दूध को हिलाने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बीएमसी में केवल दो ही काम करने होते हैं, एक दूध डालना और एक निकालना, बाकी सारे काम ये खुद ही कर लेती है। तो ये बहुत यूज़फुल मशीन है दूध की क्वालिटी बनाए रखने के लिए, दूध का फ्लेवर बनाए रखने के लिए और दूध की लाइफ बनाए रखने के लिए, ये तीन चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि यदि हम किसी भी सप्लायर से बीएमसी परचेज करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बीएमसी का इनर टैंक हो, अंदर का जो टैंक हो, वो फुल्ली SS304 का ही चाहिए हमें, 202 में बिल्कुल नहीं चाहिए, 304 में ही चाहिए। दूसरी बात है कि जो अंदर की टैंक की फिनिशिंग हो, वो फिनिशिंग अच्छी होना चाहिए, दूध उसमें कहीं सड़ना उकना फंसना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपका जो बीएमसी है वो डिम्पल प्लेट वाला भी हो, डिम्पल प्लेट वाला ही हो, कॉपर पाइप में हमको बीएमसी नहीं चाहिए। क्योंकि कॉपर पाइप में जब हम बीएमसी लेते हैं तो हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते, हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा रिजल्ट हमें चाहिए होता है। फिर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
कि जो BMC है उसमें दो टैंक होते हैं, इनर टैंक आउटर टैंक, इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन डाला होता है जो आपके दूध की ठंडक को बाहर आने से रोकता है। इस इंसुलेशन की मोटाई 70 mm से 90 mm के बीच में कंपलसरी चाहिए। 70 mm से कम का इंसुलेशन हमें नहीं लेना है। आपका इंसुलेशन जितना अच्छा होगा आपके मशीन की वर्किंग उतनी कम होगी, आपकी कूलिंग लॉस उतनी कम होने वाली है। एक चीज़ हमें इसमें और ध्यान रखनी है कि हमें BMC में जो कंट्रोल लेना है वो स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल लेना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कंट्रोलर, ये स्मार्ट डिजिटल कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का फ़ायदा ये होता है कि ये इसमें यदि मशीन में कोई भी समस्या आती तो ये हमें टाइम रहते अलर्ट करता है, जिससे हम अपने दूध को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं या मशीन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी बनाती हैं वो केवल टेम्परेचर दिखाने के लिए मीटर लगाती है, हमें वैसा मीटर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट कंट्रोलर चाहिए जो हमारी मशीन की भी सेफ्टी करे और हमारे दूध की भी सेफ्टी करे। अब मित्रों हम बात करते हैं कि इसके रखरखाव, इसके मेंटेनेंस में हमें क्या ध्यान रखना है। इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आपको इसको कभी खाली नहीं चलाना है, इसमें दूध डाल के ही इसको चलाना है। दूसरी बात है इसमें दूध आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से दूध नहीं डालना है। आप डाल सकते हैं एकदम से भी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है। तीसरी चीज़ है कि आपको जब भी आप पुराना दूध खाली करते हैं तो इसकी वॉशिंग करना कंपलसरी है, गर्म पानी से, कास्टिक से या वॉशिंग केमिकल से। इसकी वॉशिंग करना बहुत ईजी है, केवल अंदर आपको पानी डालना होता है गर्म पानी और ब्रश चलाना होता है, नल से आप उसको ड्रेन कर सकते हैं। तो आप 15 मिनट में इसकी क्लीनिंग ईजिली कर सकते हैं, तो आप इसकी कंपलसरी क्लीनिंग करें जब भी आप दूध नया दूध डालें इसके अंदर। फिर यदि आपके पास एरिया छोटा है, जैसे इस मशीन में तो कंप्रेशर नीचे लगा हुआ है, यदि आपके पास एरिया छोटा है या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको कंप्रेशर को बाहर लेना है, क्योंकि उसका कंप्रेशर थोड़ा सा हैवी होता है, ज़्यादा गर्मी जनरेट करता है। तो अगर उसको फ्रेश एयर मिलेगी तो मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और आपकी पावर सेविंग भी होती है। आउटडोर यूनिट जहाँ भी आपका लगा है, नीचे या बाहर जहाँ भी लगा हुआ है, उसकी आपको क्वार्टरली हर 3 महीने में सफाई करनी है, उसकी धूल साफ़ करनी है। इससे आपको ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव कूलिंग मिलेगी और आपकी पावर सेविंग भी होने वाली है। ये कुछ जानकारी थी मित्रों BMC के विषय में जो मैंने आपको दी। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी छूट गई हो जो मैं आपको बता नहीं पाया हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उस कमेंट के माध्यम से आपको उसका आंसर दूंगा। हाँ, यदि आपको पर्टिकुलर यही BMC परचेस करनी है तो उसके लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मैसेज पहुंच सके और मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आपने मेरी बात को इतने ध्यान सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।